हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 19 ऑफ 25 डेज चैलेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करती हूँ छोटी सी स्टोरी, क्योंकि हमारी लाइफ में ना किसी भी काम को लगातार करना या किसी भी राह पर सफलता मिलने तक बिना रुके चलते रहना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन आप निराश मत होइए, आपके साथ मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ ये व्लॉग ये वीडियो, ताकि आपको मिलती रहे मोटिवेशन। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपको सुनाती हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी को खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे, ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफ़ी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकान से वह काफ़ी हद तक हाँप रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता, जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त, ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहाँ खड़े होकर वह हाँपता और थोड़ी देर के रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया हुआ, उसने भी उतना भी नहीं किया है और उससे बहुत ही कम था। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो, फिर भी आपने मुझसे ज़्यादा अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादा से पूछता है। दादाजी ने उसे जो जवाब दिया, उसकी उम्मीद तो उसे थी ही नहीं। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो सच में मुश्किल ही हो जाता है। और हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और करते ही रहते हैं, तो वो आसान हो जाता है। पोता बड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी ने अपनी बात जारी रखी। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इसीलिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, तो इतना नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए, बस स्टार्ट कर देना चाहिए। वो एंड तक चलते चलते कंप्लीट हो ही जाएगा, बस हमें थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया 75 डेज़ का चैलेंज, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कंप्लीट हो पाएगा, बट अभी भी मेरा चल रहा है और मैं अभी तक 90 डेज़ पर पहुँच गई हूँ। अगर मैं पहले ही डर जाती तो शायद मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाती। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहा करिए। तो अभी शाम के 6 बज चुके थे, तो चलिए किचन में चलते हैं और सारे काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी चाय और उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्मूदी भी बनाऊंगी जो फ्रूट्स की है। और यहाँ पे मैंने मैंगो, एप्पल और बीट रूट लिया था और उसमें मैंने इलायची डाल दिया था और थोड़ा सा दूध डालूंगी। उसके बाद मैं इसको मिक्सर में चला दूंगी, तो ये बहुत ही हेल्दी और फटाफट से बन जाता है। यहाँ मैं छान रही थी अपने लिए चाय। चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था। डिनर बनाने वगैरह के बाद किचन वगैरह क्लीन हो गया और किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं फिर से चली जाऊँगी अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि मैं अभी इसके बाद क्या पढ़ने वाली हूँ। तो उसके बाद मैंने उठाई थी लूसेंट की बुक और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था साइंस। साइंस में मैं केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, बस रिवीजन कर रही हूँ उसको, बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो मैं इसको रिवीजन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। का दिन भी हो गया कंप्लीट और मेरे हो गए 90 डेज कंप्लीट। तो वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।